दिल्ली एनसीआर में सोमवार को आंधी चलने के साथ साथ बारिश होने से मौसम काफी नरम हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आई इस बदलाव के कारण तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है और सामान्य से 8 डिग्री तक कम रिकॉर्ड हुआ है, जिससे ठंड का भी एहसास हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आज यानी बुधवार को भी दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यही नहीं, इस पूरे सप्ताह हल्के बादल दिखेंगे और बीच बीच में गर्जन की संभावना भी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 7 दिनों के बीच अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के आसपास रहेगा। इसका मतलब यह है कि गर्मी से राहत जारी रहेगी, हालांकि बारिश के भी आसार नहीं है। दूसरी तरफ नोएडा में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुरुवार को हल्के बादल नजर आ सकते हैं। वहीं गुरुग्राम में अब मौसम साफ रहने का अनुमान है। बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मई में अब तक कुल 15.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जबकि 29.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 89% ज्यादा है। वहीं दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री कम 18.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 55 से 77% तक रहा। वहीं आज यानी बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है और आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। नोएडा में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा और गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और गुरुग्राम में भी आज आसमान साफ बना रहेगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।